Instead of the sar faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to him in his loneliness. Instead of मतलब, अपनी चेहरे के बदले इंस्टेड ऑफ सार फेसेस विच हिम अपनी चेहरे जो सामान्यतया उसको मिलते थे मीट से बना मेट टी टू मीट माने मिलना पास उसको सामान्यतया अपनी चेहरे मिलते थे अपनी चेहरे थे मतलब लोग जब दरवाजा खोलते थे कभी खटखटाता था या कुछ मांगता था तो लोगों का चेहरा चेहरे की भंगिमा अप्रिय हो जाती थी क्योंकि वो खुद तो रैग फटे हुए कपड़े में था दुबला पतला कुछ रैग ट्रैप्स हाथ में पकड़ा हुआ कुछ वायर पकड़ा हुआ कितने दिन से साफ सफाई नहीं किया होगा अपनी और गाल दबे हुए तो जब भी वो कहीं जाता था और किसी कुछ बोलता था तो उस व्यक्ति का चेहरा प्रिय तो नहीं होता था ना और चेहरा अच्छा नहीं रहता था चेहरे की भाव भंगिमा अच्छी नहीं रहती थी इसीलिए तो रैट ट्रैपर रैट ट्रैप सेल मैन ही ऑलवेज थाट इल अबाउट द वर्ल्ड इसीलिए वो दुनिया के बारे में बुरा सोच रहा था इल माने बुरा इसीलिए सोच रहा था क्योंकि उसके सामने कोई भी अच्छे से पेश नहीं आया ऐसा रात में कई बार खटखटाता होगा कई बार किसी से कुछ पैसा मांगता होगा फार्म हाउस में जाके वायर मांगता था छोटी मोटी चोरी करते हुए पकड़ाया होगा कभी पटाई हुई होगी दुकानों में जाकर वायर मांगता था तो जब लोग देखते थे इसको तो चेहरा बना देते थे उसकी आदत पड़ चुकी थी ऐसे उतरे हुए गुस्साए चेहरे को देखने की <coughs> लेकिन यहां पर उसे मना नहीं किया बड़ा आश्चर्य इंस्टेड ऑफ सार फेसेस अपनी चेहरा बनाने के बदले जो सामान्यतया उसको दिखाई देता था जो सामान्यतया उससे टकराता था अपनी चेहरे इस मकान का मालिक द ओनर इस मकान का मालिक जो बूढ़ा था उसके बाल बच्चे और परिवार नहीं था वो खुश हो गया कि चलो घर में कोई आया जिससे मैं बातचीत करूंगा इस एकांतवास में लोनलीनेस मतलब एकांतवास लोन मने अकेला लोनली मने अकेला एकांतवाल अकेला पन यू शुड नेवर लिव लोनली लाइफ तुम्हें अकेली जीवन एकांत का जीवन नहीं जीना चाहिए वन शुड नेवर बी लोनली लोन टू बी लोनली नॉट ए गुड क्वालिटी एकांत में रहना कोई अच्छी आदत नहीं है समाज में रहो सबके साथ रहो टू बी लोनली इज़ नॉट ए गुड क्वालिटी जहाँ लोनलीनेस वो जो बूढ़ा आदमी था जो मकान का मालिक था जिसने दरवाज़ा खोला उसके चेहरे की भंगिमा कोई अप्रिय नहीं थी वो तो बल्कि खुश दिखाई दिया क्यों क्योंकि उसके घर में न बाल बच्चे थे ना कोई परिवार था उसको लगा अरे चलो कोई तो आया जिसके साथ मैं अपनी रात काटूंगा गप मारते हुए और जो मेरा एकांतवास अकेलापन है उसे दूर करूंगा आई विल हैव समवन टू टॉक टू बातचीत करने के लिए मेरे को कोई तो मिला चाहे वो जैसा भी दिख रहा हो चाहे वो जो भी हो एक और, ये था, और दूसरी और वो ओनर मकान था, लेकिन अकेलापन उसको खाए जा रहा था काटे जा रहा था इतना ज्यादा कि वो किसी को भी घर के अंदर आने के लिए तत्पर था आने देने के लिए तत्पर था यहाँ तक कि वो इतना फटे चिथरे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को भी उसने खुशी खुशी घर के अंदर आने दिया और क्यों ताकि कोई बात करने के लिए मुझे मिला तो मैं तो अकेला हूं इमीजिएटली ही पुट इमीडिएटली ही पुट द पॉरिच पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम अफर पॉरिच पॉट क्या होता है पॉरिच एक तरह का कहना चाहिए आ, खाने का अनाज तो पॉरिज पॉट को उसने आग में रखा गर्म करने के लिए एक तो बहुत ठंड थी मैंने बताया स्वीडन की ठंड भयावह होती है उस ठंड से आदमी अंदर घुसा है और उसने स्वागत करके उसको बुला भी लिया ओनर ने और इतना ही नहीं तुरंत उसने उसको बैठने को कहा और किचन में गया और पॉरिज पॉट को दूध के साथ मिलाकर उसको गर्म किया और ऑफर्ड हिम गेव हिम सपर और उसके बाद उसे डिनर दिया सफर क्या होता सफर मतलब शाम के बाद का भोजन शाम के संध्या के बाद का भोजन उसे कहते हैं सपर सो ही गेव हिम सपर ऑल्सो उसको आराम दिया एंड देन ही कार्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टू बैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन टू कार्व ऑफ मतलब काट के निकालना ओ डबल एफ ऑफ जो शब्द है याद रखेंगे ऑफ का अर्थ हमेशा सेपरेशन में होता अलग कोई भी चीज हो तो हम ऑफ शब्द के साथ इसको कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ऑफ तो कार्व करना मतलब काटना कार्ब ऑफ सच ए बिग स्लाइस स्लाइस मतलब टुकड़ा ब्रेड का स्लाइस काटो चीज़ का एक स्लाइस मुझे दो बटर का एक स्लाइस देना एक ऐसा स्लाइस उसको लंबा काटते हैं तो ही कार्ड ऑफ ए बिग स्लाइस फ्रॉम हे टोबैको रोल उसके पास टोबैको था तंबाकू। तंबाकू का जो रोल था उसे उसने बड़ा टुकड़ा काटा और वो इतना बड़ा बिग इनफ बोथ फॉर हिम एंड हिज ओन इतना बड़ा था कि वो स्ट्रेंजर के पाइप के लिए और दो उसके खुद के लिए पर्याप्त था इतना बड़ा उसने काटा अर्थात दोनों को देने के लिए दो लोगों के लिए उसने टोबैको भी काटा स्ट्रेंजर आता है स्ट्रेंजर मतलब कौन अजनबी अजनबी कौन है यहाँ पे अजनबी है ये जो रैड ट्रैप सेल करने वाला व्यक्ति जो रैग्स में रहता था संकन चीक थे अजीब दिखता था वो था स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर दरवाज़ा खटखटाता है अच्छी भावभंगिमा के साथ एक बूढ़ा मकान मालिक निकलता है उसका स्वागत करता है उसको अंदर ले जाता है बैठाता है और इस बात से खुश होता है चलो रात में बात करने के लिए कोई मेरे को तो मिला क्योंकि खुद के पास ना कोई भाई बच्चे थे ना पत्नी थी ना बच्चे थे कोई भी नहीं था अकेला था और खुशी खुशी उसके लिए पॉरिज गरम करके गरम पॉरिज देता है उसके साथ उसको डिनर भी देता है और फिर अंत में टोबैको दोनों के लिए तैयार करता है पाइप में पीते हैं फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स और ये सब करने के बाद जब खाना पीना हो गया और ये स्ट्रेंजर जो है रैट ट्रैप सेलर जो है उसको जब थोड़ी राहत मिली तो ओनर ने कार्ड का पैकेट निकाला ताश के पत्तों का पैकेट निकाला एंड प्लेड म विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम एक खेल है वहाँ का जिसका नाम है मे जैसे हमारे यहाँ रमी होता है ताश में तीन दो पाँच होता है ताश का खेल रमी होता है ताश का खेल तो ऐसे ही वहाँ ताश का खेल जॉलिस उनकी भाषा में है तो ये दोनों ने ताश का गेम खेला हिज गेस स्लेप जब बेड टाइम हो गया तब तक खेलते रहे अर्थात कुछ देर खेला सोने के समय तक खेलते रहे हिज गेस फेल स्लीपी जब उसको नींद आने लगी उन लोगों को तब उन्होंने खेल बंद किया ये देखिए कहानी कैसे बदलती है कहां रैग कहां ये आदमी भटक रहा है क्या सोच रहा है और अब वो कहाँ पहुँच गया एक दरवाज़ा खटखटाने पर और वहाँ बड़े अजीब तरीके से उसका स्वागत हुआ उसको बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने तो सोचा कि दुनिया में कोई किसी की नहीं चाहता कोई किसी का भलाई नहीं चाहता क्योंकि उसको आदत थी किसी ने भी उसके साथ अच्छी तरीके से बातें नहीं की थी अच्छे तरीके से देखा नहीं था अच्छे तरीके से मदद नहीं की थी लेकिन यहां जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरिज एंड टोबैको ये जो ओल्ड मैन है, है जो ओनर था जेनरस मतलब उदार वो उस, उसका जो आत्मविश्वास था वो भी इतना ज्यादा था कि एज जितना कि वो पॉरिज दे रहा था टोबैको भी ज्यादा दिया पॉरिज भी दिया तो उसके कॉन्फिडेंसेस भी काफी थे ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरिज एंड टोबैको इट मीन्स वो अपनी बातचीत में इतना उदार था जितना कि वो पॉरिज के लिए था और टोबैको के लिए था इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब खुल के बात कर रहा था कुछ बात सीक्रेट नहीं रख रहा था मन में जो उसके आ रहा था ओल्ड मैन के वो बोले जा रहा था सो मच सो हिज डेज ऑफ प्रोस्पैरिटी हिज होस्ट क्रॉफ्टर उसको ये भी बताया गया ओनर के द्वारा कि एक ऐसा जमाना था तुरंत ये बता दिया गया एक ऐसा समय था कि जब उसके पास प्रोस्पैरिटी थी प्रोस्पैरिटी मतलब जब वो धनी था संपत्ति थी सुख संसाधन थे तो हिज होस्ट हैड बीन ए क्रोफ्टर एट एन आयरन वर्क्स उसका जो होस्ट था वो एक क्रोफ्टर था और वो क्रोफ्टर कहां का था एट राम्स जो आयरन स्मिथ व आयरन वर्क किसका होस्ट ओनर का होस्ट होस्ट मतलब क्या होता है गेस्ट मतलब जो आते हैं और होस्ट मतलब एक तो होता। जो स्वागत करते हैं जिनके यहां रहते हैं ही वॉज द होस्ट तो वो बता रहा था कि जब मैं किसी समय मेरे अच्छे दिन थे इन माई डेज ऑफ prosperity. जब मेरे दिन अच्छे थे जब मैं धनी था पर्याप्त पैसा था संपन्न था तो हिज होस्ट क्रोफ्टर तो उस समय मुझे किसी ने इसी तरीके से अपने घर रखा था जैसे आप रख रहे हो जैसे मैं रख रहा हूं और वो कौन था आयरन वर्क में काम करने वाला एक क्रॉफ्टर एंड हैड वर्क ऑन द लैंड और जमीन का काम कर रहा था क्रोफ्टर हैड वर्क ऑन द लैंड ही वॉज नो लॉन्गर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे टू डे लेबर अब चूंकि अब वो काम करने लायक नहीं था नो लॉन्गर मतलब अब नहीं लॉन्ग से बना लोंगर अब चूंकि मैं लेबर मतलब परिश्रम अब चूंकि मैं परिश्रम करने लायक नहीं रहा दिन प्रतिदिन परिश्रम करने लायक नहीं रहा डे टू डे लेबर इट वॉज काउ विच सपोर्टेड हिम इट हिज सपोर्टेड हिम सी द लाइन दैट इज ब्यूटिफुल नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे टू डे लेबर इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम अब चूंकि वह परिश्रम करने के लायक नहीं था शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था दिन प्रतिदिन मेहनत नहीं कर पा रहा था तो उसका जो उसकी जो गाय थी उसने उसको सपोर्ट किया काउ विज सपोर्टेड हिम उसने उसको सपोर्ट किया यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी वो जो था बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी था She could give milk for the creamery every day. Creamery मतलब जहाँ पर क्रीम वगैरह बनता है She could give milk for the creamery every day. रोज वो गाय पर्याप्त दूध देती थी And last month, he had received all of मंथ kroner in payment. और पिछले माह उसे उस गाय के दूध से क्रीमरी में देने के एवज में उसे तीस क्रोनर मिला था अब ये क्रोनर क्या है क्रोनर स्वीडन की करेंसी है जैसे भारत की करेंसी रुपया है ऐसे क्रोनर जो है वो स्वीडन की करेंसी कहलाती है तो ये कह रहा है देखिए इस पैराग्राफ में कहा है लेखक ने कि बातचीत में ओनर इतना खुल गया कि सब कुछ बता दिया सब कुछ बोलने लगा ही कैप नथिंग सीक्रेट देखिए बातचीत बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाती है एक अजनबी आता है और उस अजनबी का स्वागत करता है ओनर उसको सारी सुविधाएं देता है खाना पीना आराम और उसके बाद उसके ता, ताश खेलता है और चर्चा चर्चा में बहुत सारी बता, बातें बता देता है जैसा उस सेंटेंस स्पष्ट से है वॉज एज जेनरस विथ हिस्स कॉन्फिडेंसेस अपने स्वयं की सीक्रेट बातें जो है वो बताने लगा एंड ही से जो तुम्हारा जो होस्ट है तुम्हारा मतलब स्ट्रेंजर की ओर इशारा करके कहा तुम्हारा होस्ट कौन है मैं मैं मतलब ओनर ये जब बूढ़ा हो गया शरीर काम करना बंद कर दिया परिश्रम नहीं कर पा रहा था तो उसने गाय पाली थी अपने ही बारे में बताया और कहा कि नाउ दैट आई वॉज नो लॉन्गर एबल टू वर्क हार्ड आई हैड ए काउ विच सपोर्टेड मी उस गाय ने फिर मुझे मदद की कैसे वो गाय से जो मिल्क मिलता था उसको मैं क्रीमरी में देता था क्रीमरी मतलब जहाँ क्रीम बनता है गाय का गाय के दूध का वो क्रीमरी में मैं देता था और उसके बदले मुझे पैसा मिलता था लास्ट मंथ मुझे जो है ना मैंने तीस क्रोनर मुझे मिले आई रिसीव्ड ऑल ऑफ थर्टी करोनर इन पेमेंट बड़े खुशी खुशी वो बता रहा है मुझे तीस क्रोनर मिला बात यहीं पे खत्म नहीं हुई द स्ट्रेंजर मस्ट सीम्ड इनक्रेड्यूलस अविश्वसनीय इनक्रेडिलस मतलब अविश्वसनीय स्ट्रेंजर को विश्वास ही नहीं हो रहा था स्ट्रेंजर कौन रैड ट्रैप सेलर वही तो अजनबी था ना वही तो मेहमान था और होश या मेजबान कौन था आयरन स्मिथ वर्क में जो काम कर रहा था व्यक्ति पहले और अब बूढ़ा हो चला था प्रोस्पेरिटी के दिन भी उसके चले गए थे क्योंकि तो अब कमा नहीं रहा था गाय के बल पे जो जिंदा था वो उसका होस्ट था मेजबान था वो मेहमान पर पूरा विश्वास कर लिया और उसको बताया पूरा और उसने कहा तीस क्रोनर मिला ये सुनने के बाद स्ट्रेंजर को बड़ा अविश्वसनीय लगा विश्वास नहीं हुआ क्यों कि कैसे एक आदमी इतनी जल्दी मुझ पर विश्वास कर लेगा और बतीस पूरी कहानी सुनाने लगा और फिर ये भी कि क्रीमरी से अकेले से मुझे तीस करोनर मिल गया कमा लिया मैंने महीने में उसी से मैं जिंदा रहता हूं खुश रहता हूं द स्ट्रेंजर मस्ट मतलब महसूस होना उसको लगा होगा अविश्वसनीय फॉर द ओल्ड मैन अप एंड वेंट टू द विंडो बात यहीं खत्म नहीं हुई जो बूढ़ा आदमी था जो होस्ट था जो आयरन वर्क्स में काम करता था ओनर था वो उठा अप एंड वेन टू दिंडो और खिड़की के पास गया देखिये बड़ा इंटरेस्टिंग खिड़की के पास गया लेकिन दाँ, मतलब निकालना एक खीले में उसने टांगा होगा या खिड़की में फंसाया होगा उस थैली को उसने निकाला लेदर का सा चमड़े के थक विच हंग ऑन ए नेल इन दी विडो फ्रेम जो खिड़की थी उस खिड़की के फ्रेम में ही खीला हम लोग लगा देते हैं कुछ टांगने के लिए खूंटी जैसा बना देते हैं तो ऐसी उसमें भी एक खूंटी बनाई थी विंडो फ्रेम में ही और उस खूंटी पे एक लेदर पाउच था उसने उसको निकाला एंड पिक डाउट थ्री रिंकल्ड टेन क्रोनर बिल्स रिंकल्ड मतलब झुर्रियां रिंकल मने झुर्री द ओल्ड मैन लॉट ऑफ रिंकल्स दीस डेज वी फाइंड मैनी यंग पीपल विथ लॉट ऑफ रिंकल्स झुर्रिया माई शर्ट इज रिंकल्ड मेरी शर्ट मुड़ी तुड़ी क्यों है उसे कहेंगे रिंकल्ड एडियोमेटिक यूज आयरन अप योर शर्ट प्रॉपरली देर आर सो मेनी रिंकल्स ऑन योर पेंट आपके पेंट में इतनी सारी झुर्रियां दिख रही हैं उसे तो ठीक से आयरन करिए तो ये रिंकल डब्ल्यू आर आई एन के एल ई तो उसने क्या किया वो बैग को अच्छा, ऐसा कहते हुए उठा कि मेरे को गाय कमाऊ गाय है मेरी उस दूध देती है रोज़ और उस दूध को मैं क्रीमरी में फैक्ट्री में देता हूँ जहाँ क्रीम बनता है उसके बदले मुझे कुछ पैसा मिलता है पिछले महीने तो मुझे तीस क्रोनर मिला और ऐसा कहते हुए उठता है खिड़की पर जाता है वहां से एक चमड़े का बैग निकालता है छोटा सा उस बैग से दस दस रुपए के तीन मुड़े तुड़े नोट दिखाता है नोट तीन मुड़े तुड़ो नोट दिखाता है रिंकल्ड क्रोनर्स अब आप सोच सकते हैं कि इन नोटों को देखकर भले ही मुड़े तुड़े क्यों ना हो अजनबी पर क्या गुजरी होगी अर्थात रैड ट्रैप सेलर जो है उसने कभी इतना पैसा तो देखा नहीं था अचानक दस दस के तीन नोट उसको दिखाए जाते हैं क्या हुआ होगा वॉट मस्ट द माइंड ऑफ रैट ट्रैप सेलर एक तो उसे बड़ा अजीब लग रहा था अविश्वास नहीं लग रहा था यह कहानी सुनकर कि गाय के दूध के बल पर मेरी इतनी कमाई हो जाती है कुछ बड़ा अजीब लग रहा था कि अजनबी कैसे मेरा स्वागत किया है जो आज तक नहीं हुआ उसे अजीब लग रहा था कि मुझे पॉरिज मिला मुझे डिनर मिला सफर मिला मेरे साथ ताश खेला और मुझे कहानी भी सुना रहा तम्बाकू भी दिया बड़ा अजीब लग रहा था और ऊपर से यहां दिस मैन ओनर इज शोइंग हिम थ्री नोट्स ऑफ टेन टेन क्रोनर ईच क्या हुआ होगा

अपने मुंह में खूब ज्यादा खाना मत भकोसो स्टफ so, करना मतलब भकोसना भर देना टाइट भर देना डोंट स्टफ योर सूट केस विथ लॉर्ड ऑफ थिंग्स अपने सूट केस को बहुत सारी चीजों से तो मत भरो ठूसो मत स्टफ करना मतलब ठूस देना भर देना भकोस देना सो व्हाट ही डिड नॉडिंग नोइंगली नॉट किया सिर हिलाना सिर हिलाया देखा ये नोट एंड देन और उसके बाद स्टफ बैग इन टू द पाउच वापस पाउच में उसको भर दिया दिखा के वापस उसको डाल दिया चमड़े के बैग में ठीक रात हो जाती है ये लोग सोते हैं बेड टाइम में ताश खत्म हुआ और ताश के बाद ये बातचीत हुई और उसने वो क्रोनर दिखाया खिड़की पे वापस टांग दिया होगा और ये लोग सोने चले गए द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन दोनों बड़े अच्छे मूड में उठे होस्ट जो था वो इसलिए अच्छे मूड में कि रात में कोई उसके साथ बात तो करने के लिए आया रात में ताश भी खेला रात में अपनी कहानी किससे भी सुनाया तो उसको भी अच्छी नींद आई और गेस्ट जो था रैट ट्रैप सेलर उसको तो अच्छी नींद आएगी ही He had every reason to have good sleep because he had his stomach full, he had tobacco, he was given proper care, porridge, proper bed, and enough heat for him to sleep happily. So both of them got up in good season. द क्रोफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिस्काउ ये जो क्रोफ्टर था जो आयरन स्मिथ वर्कर वर्क में काम करता था आयरन वर्क में यानि गेस्ट नहीं होस्ट ओल्ड मैन वो सुबह सुबह हड़बड़ाने लगा थोड़ा सा थोड़ा जल्दी में दिखा क्यों क्योंकि उसे अपने काउ को का दूध दूहना था टू मिल्क हिस्काउ मिल्क मने दूध और टू मिल्क मने दूध दोहना इन द विलेज इफ यू गो इन द मॉर्निंग यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल मिल्किंग द काउ मिल्किंग द काउ बहुत से लोगों को आप देखोगे सुबह गांव में गाय का दूध निकालते हुए मिल्किंग द काऊ क्रोफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क काउ, क्योंकि गाय का एक समय होता है दूध देने का यदि समय में बदलाव हो जाता है तो दिक्कत होती है द काऊ में नॉट गिव मिल्क और यदि गाय दूध नहीं देगी उस दिन तो इसका जो पैसा है वो मारा जाएगा क्योंकि क्रीमरी में दूध नहीं दे पाएगा एंड द अदर मैन प्रॉबली थाट ही शुड नॉट स्टे इन बेड वेन ही हैड वेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप एक और जो होस्ट था वो जल्दी में था क्योंकि उसको गाय का दूध दुहना था तो दूसरी ओर अजनबी जो था मेहमान जो था अदर मैन प्रॉबेबली संभवतः उसने सोचा कि ही शुड नॉट स्टे इन द बेड कि वो भी अब बिस्तर से उठ जाए वो अब बिस्तर में ना रहे क्यों क्योंकि जो घर का मालिक है वो अब उठ गया है हेड ऑफ़ द हाउस अप जब घर का मालिक उठ गया है तो मुझे भी उठना चाहिए देखिए एक गरीब आदमी की भी कितनी अच्छी सोच है संस्कार की बात है ही हैड दैट फीलिंग कि नहीं भाई जब घर का मालिक उड़ गया है तो अब मैं भी उड़ जाऊँ यद्यपि उसको भी नींद आ रही थी बड़ा अच्छा लग रहा था और चाहता तो शायद और लंबा सो सकता था लेकिन उसने देखा कि जो ओनर है वो उड़ गया है और वो उठा क्यों था गाय को दुहने के लिए क्योंकि उसका एक समय होता तो इसने सोचा कि जब वोट गया व्हेन ही अप ही इज नो मोर इन बेड शुड आई लाई इन द बेड लाई ऑन द बेड आई मस्ट गेट अप नाउ सो ही अप दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम दोनों ही एक साथ कॉटेज से निकले ताला लगा दिया और दोनों निकल गए दे लेफ्ट कॉटेज एट द सेम टाइम The Crofter locked the door and put the key in his pocket. जो ओनर था क्रोफ्टर था आयरन वर्क में जो काम कर रहा था बूढ़ा हो गया था उसने ताला लगाया और चाबी अपने जेब में रखी और चला गया द मैन विद और ये जो रैट ट्रैप वाला आदमी था इसने उसको बाय बाय कहा और थैंक यू कहा एंड देर अपॉन ईच व ज ओन वे देर अपॉन उसके बाद देर अपॉन मतलब उसके बाद और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चलेगा तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है वॉट इज देयर टू बी सो इंटरेस्टिंग बट ये स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी ना वट हैपन्स बोध गेट अप गेट रेडी गोड द हाउस गेट इज लॉक हाउस इज लॉकड की अपनी अपनी दिशा में निकल गया उसने उसको धन्यवाद भी दिया इतनी कटसी थी उसमें इतनी सभ्यता थी उसमें इतनी समझ थी उसने कि उसको धन्यवाद भी दिया देर अपॉन मतलब उसके बाद ईच वेंट हिज ओन वे बट हाफ एन आवर लेटर आधे घंटे बाद रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर डोर। रैट ट्रैप पेडलर, ट्रैप बेचने वाला पेडलर मतलब जो घूम घूम के ऐसा बेचते हैं सामान उन्हें पेडलर कहते हैं तो पेडल मतलब साइकिल का पेडल करते हैं हम लोग पेडल और साइकिल फास्ट पेडलर मतलब घूम घूम के जो बेचते हैं ड्रग पेडलर इज अ वेरी कॉमन वर्ड ड्रग पेडलर जो लोग ड्रग्स बेचते हैं नशे की चीज जो बेचते हैं ड्रग पेडलर्स आर बिग क्रिमिनल्स फॉर द सोसाइटी ड्रग पेडलर जो हैं समाज के लिए बहुत बड़े अपराधी हैं तो पेडलर रैट ट्रैप पेडलर जो था आधे घंटे बाद फिर वापस आ गया हाफ एन आवर लेटर ही स्टूड अगेन बिफोर द डोर उसी दरवाजे के सामने फिर था वो ही नॉट ट्राई टू गेट इन हाउ एवर हाउ एवर मतलब यद्यपि यद्यपि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की कैसे करता ताला लगा था चाबी तो क्रोफ्टर के पास थी ओनर के पास थी वो तो चला गया था तो अभी क्या करता यहां पे खड़ा था और कुछ तो दिमाग में हो रहा था हाउ व्यवहार मतलब यद्यपि ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउ व्यवहार फिर भी उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की ही ओनली वेंट अप टू विंडो वो केवल खिड़की तक गया अब आप समझ गए होंगे कि खिड़की तक गया मतलब क्या हुआ खिड़की तक गया स्मैश ए पेन स्मैश करना मतलब मारना जोर से मुक्का मारा पेन मतलब कांच का जो ग्लास लगा हुआ था द ग्लास विंडो पेन में उसको कहते हैं पेन एक टुकड़े को एक पेन कहते हैं दिस विंडो पेन्स इस खिड़की में तीन पेन लगे हुए हैं सो ही ब्रोक वन पेन स्मैश वन पेन स्मैश करना मतलब जोर से मारना उन्हें जोर से हाथ मारा पेन टूट गया अंदर घुसने की कोशिश नहीं की उसने ताला लगा था तो क्या करता है कांच को तोड़ता है ही ओनली वेंट अप टू द विंडो स्मैश ए पेन स्टक इन हिज हैंड और अपना हाथ अंदर डालता है टू स्टिक मतलब डालना यू स्टिक टू योर वर्ड तुम अपने शब्दों पर अड़े रहो अडिग रहो वो तो अलग शब्द है यू स्टिक द गो द गम इज स्टिकिंग द गम इज नॉट स्टिकिंग चिपका नहीं रहा है गोंद जो है चिपका नहीं रहा गम मतलब गोंद चिपका टू स्टिक करना मतलब चिपकाना और दूसरा मीनिंग है स्टक हिज हैंड उसने अंदर हाथ डाला कांच टूट गया था टूटे हुए कांच से अंदर हाथ डाला और क्या किया होगा वॉट डिड यू डू टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विथ थर्टी क्रोनर और उसके हाथ में वो चमड़े का बैग आ गया जिसमें तीस क्रोनर रखे हुए थे जिसे रात में ओनर ने दिखाया था उसकी नज़र उस बैग पर पड़ गई रात में उसका दिमाग घूम गया तीस क्रोनर का लालच उसके मन में आ गया और इसीलिए वो वापस आता है आधे घंटे बाद दरवाजा बंद देखता है स्वाभाविक था उसको मालूम था कि दरवाज़ा बंद रहेगा और वो चाहता भी था कि दरवाज़ा बंद रहे ताकि मैं कांच तोड़ूं और जो खिड़की में रखा हुआ जो है पैसा उसको ले लूं। वो ओल्ड मैन जो था इट वॉज रा वेरी सॉरी अबाउट द ओल्ड मैन दैट ही ट्रस्टेड दिस फेलो उसने उसको बड़ी अजीब बात थी कि इस ओल्ड मैन ने रैट ट्रैप सेलर को विश्वास किया इतना विश्वास किया कि अपनी राम कहानी पूरी बता दी और तो और उसने कहा पैसा रखा है यह भी बता दिया और वापस उसी जगह पे रख दिया इसके दिमाग में वो पैसा था his हिज हैंड एंड गॉट होल्ड पाउच विद the क्रोनर ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट it into हिज ओन पॉकेट उसने वो पैसा निकाला थ्रस्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट अपनी जेब में डाल दिया थ्रस्ट करना मतलब थोड़ा जोर दे के डालना जो अंदर तक हाथ पहुंचाया ताकि वो पैसा गिर ना जाए ये सुनिश्चित करने के लिए कि पैसा गिर ना जाए उसने अंदर तक हाथ दबाव बनाया ही थ्रस्ट हिज हैंड आफ्टर स्मैशिंग द पेन स्टक हिज हैंड took out the bag, took out the money, thrust the money in his pocket and put the bag back. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place. बड़े सावधानी से उसने वे चमले के बैग को उसी जगह पर वापस रख दिया and went away और फिर चला गया। अर्थात् उसने एक चोरी की, उसने विश्वासघात भी किया इतने विश्वास से ओनर ने रखा था धोखा दिया ओनर स्वयं भी कोई अमीर नहीं था पूरे मेहनत की कमाई उसकी लेके चलते बना बट आगे क्या होता है वो देखेंगे फिलहाल वॉट यू शुड नो इज दैट ही पुट द मनी इन हिज पॉकेट पुट द बैग एट इट्स प्लेस एग्जैक्टली द सेम वे एज इट वॉज बिफोर एंड वेंट अवे